चाय लाओ जे। सर कब आओगे? एक महीना थोड़ी गो गड्ढा खोदेल का बुजुर्ग कब आओगे? नहीं तो फोन लगाओ सर का। अभी हम सर को फोन लगाओ पाटीदार साहब को। बगीचा वाला सर बोली रहा पाटीदार, ये एक महीने गड्ढा कहाँ का ही भरांगे सर। हाँ सर कल आ रहे थे, आज आ रहे हैं। अच्छा अच्छा आ जा रहे। हाँ सर कितना घड़ी तक आ रहे हैं? हाँ हम एक घंटा बाद आ रहे थे। हाँ तो 8:30 बजे तक आ रहा सर। हाँ हम भी आ रहे खेत में। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार। अब अपने को क्या है कि गड्ढे खोदने 30 दिन हो गए हैं। हाँ। उसके लिए क्या है कि उसका समय गड्ढा बंद करने का समय आ गया है। हाँ। तो तुमने कल फोन लगाया था, हम आ गए आज। हाँ। आज अपन गड्ढा बंद करने का काम शुरू करते हैं। हाँ, हाँ भैया, अब ये तुम्हारा गड्ढा 1 मीटर की गहराई का पूरा कम्प्लीट हो गया है ना। हाँ भैया, ये अब तुम्हारा गड्ढा 1 मीटर चौड़ा हो गया है। हाँ, हाँ भैया, ये अब 1 मीटर तुम्हारा लंबा गड्ढा हो गया कंप्लीट है ना। हाँ, अब अपने को गड्ढा ये बंद करना है ना। हाँ, इसके लिए अपने को सबसे पहले क्या है कि अपने मुंह पे कपड़ा बांध देना जी। उसके पास एक अपने बाद क्लोरोफायरीफास पाउडर आएगा, उसको अपने को चारों तरफ गड्ढे की दीवार तरफ भुरकना है। हाँ, इस तरह अब अपने मुँह पे चारों तरफ ऐसे कपड़ा अपने को बांध लेना चाहिए ना। अब अपने को 100 ग्राम क्लोरोफायरीफास लेके गड्ढे में चारों तरफ भुरक देना है ना। हाँ, अब अपने को क्लोरोफायरीफास 100 ग्राम की एक पोटली बना के गड्ढे में चारों तरफ भुरका दो। हाँ, अब इसको अपने को एक पोटली बांध लो। हाँ, ये अब अपनी पोटली कंप्लीट बन गई है ना। इसको अब अपने गड्ढे में उतर के चारों तरफ छिटक दो। हाँ, अब अपन ने क्या है जैसे ये पाउडर चारों तरफ बुरक दिया है ना, इसको छिटकने के बाद अब अपने को नीम की पत्ती पूरी जमीन पे ऐसे नीचे बिछा दो। सबसे ऊपर वाली मिट्टी में 1 किलो सुपर खाद मिट्टी में मिला के सबसे नीचे अपने को गड्ढे में डालना है। हाँ, अब अपन ने सबसे ऊपर वाली मिट्टी में सुपर खाद मिला दिया है, अब अपन को ये सबसे नीचे गड्ढे में डालना है मिट्टी। अब अपने को ये तुमने मिट्टी जो नीचे करी नहीं, ये थोड़ी सी गड्ढे में समतल कर दो, उधर खींच के चारों तरफ कर दो। अब अपने को ये बीच वाली मिट्टी है, इसमें ये बोन मिन खाद मिला के गड्ढे में डाल दे। अब अपने को ये मिट्टी में क्या बोन मिन खाद भी मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दो। ये अब खाद मिट्टी में मिल गया है, इसको अब गड्ढे में डाल दो।
हाँ भैया, सबसे अपने ऊपर वाली मिट्टी थी उसको सबसे नीचे अपन ने डाल दिया, बीच वाली मिट्टी को अपन ने बीच में डाल दिया। अब अपने को सबसे नीचे वाली मिट्टी को अपने को इसमें नीम खली मिला के और गोबर की खाद सबसे ऊपर अपने को गड्ढे में, नीम खली अपने गड्ढे में सबसे नीचे वाली मिट्टी में मिला के सबसे ऊपर अपने डालना है। ये अपन ने नीम खली खाद इस मिट्टी में मिला दिया है ना। हाँ, ये गोबर की खाद भी अपने इस मिट्टी में मिला दे वो। अब ये नीम खली और गोबर की खाद अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दे वो। हाँ, ये अब अपनी खाद और मिट्टी अच्छी तरह से मिल गई है। अब इसको गड्ढे में डाल दो। हाँ भैया, ये अपन ने जो गड्ढा खोदा था 3x3 का, ये चौड़ाई है इसकी 3x3 की और ये 3x3 लंबाई, इसको भर के अपने ने पूरा कंप्लीट कर दिया है। सर, ये मिट्टी जमीन से 1 फीट ऊपर क्यों रखी? ये इसलिए रखी कि अपने क्या बारिश होगी तो उसमें ये फिर मिट्टी क्या नीचे दब जाएगी, अपने को पता नहीं चलेगा कि भैया पौधा कहाँ लगाएं, क्या है, गड्ढा कहाँ खुदा था, इसलिए ये क्या इसलिए ऊंचा रखा है कि अपन बीचों बीच में इसी एक खूंटी गाड़ देंगे जी। वहीं पे अपने को बारिश में पौधा लगाना है। हाँ भैया, अब ये अपना गड्ढे का चबूतरा बन के कम्प्लीट हो गया है ना। अब अपने को इसको क्या है कि खूंटी को आधी जो खूंटी है पूरी बनी इसकी आधी जमीन में गाड़ना है, आधी ऊपर रखना है। हाँ, अब इसको क्या है खूंटी को अपने को 20 सेंटर में लेना है। हाँ, अपन ने दोनों तरफ से नाप लिया है इसको, ये 20 सेंटर ये यहीं पे आ रहा है ना, यहाँ पे अपने को ये खूंटी गाड़ना है। ये इस तरह अपन ने 20 सेंटर में अपन ने खूंटी गाड़ दी है ना, इस तरह अपना पूरा गड्ढा का काम भरे गड्ढा भरे का काम पूरा हो गया है। सर, यहाँ पर खूंटी क्यों गाड़ दी? यहाँ तो पौधा लगेगा। नहीं तो वो इसलिए लगेगा कभी क्या जैसे बारिश वगैरह होगी तो बारिश में अपने को पता नहीं चलेगा गड्ढा किधर कहाँ से कहाँ खोदा था, इसलिए 20 सेंटर में है ये खूंटी लगी रहेगी, खूंटी को अलग हटा के यहाँ पे अपन पौधा लगा देंगे, इस कारण से अपन ने अभी खूंटी गाड़ी है। सर, गड्ढा खूंटी गाड़ दी, पौधा कितना दिन में लग जाएगा? पौधा अपन बारिश हो जाएगी, 2 बारिश होगी उसके बाद अपन ला के यहीं पे लगा देंगे। सर, इस जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा सर, नमस्कार। नमस्कार।